नमस्कार, मैं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। वाकई आतंकवाद का न कोई धर्म, न कोई जात, न मानवता, न कोई संवेदना। बुधवार सुबह कश्मीर घाटी के सोपोर से आतंक की सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आई। सोपोर में हुए एनकाउंटर में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया। इसी गोलीबारी के बीच एक आम नागरिक की भी मौत हो गई। ये आम नागरिक 3 साल के एक छोटे बच्चे के दादा थे। क्या हुआ था ये बताते हैं। दादा कुछ काम से घर के बाहर जा रहे थे, पोता भी उनके साथ हो लिए। शायद जिद की होगी उसने भी कि वो भी साथ चलेगा। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर यहां वहां से गोलियां चल रही थी। एक गोली आकर उसके दादा को भी लगी, वो बेसुध से जमीन पर गिर पड़े। वो मासूम जिसकी उम्र 3 साल होगी, उन्हें बेहोश खून में भीगा देखकर रोने लगा। उसे लगा शायद रोने पर दादा उठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोलीबारी के बीच एक जवान उसे बचाने आया। वो मासूम रोए जा रहा था। सिसकियों के बीच सिर्फ यही आवाज आ रही थी कि उसे माँ के पास जाना है। जवान ने उसे गोलियों से बचकर दूसरी तरफ आने का इशारा किया। वह उसे सुरक्षित बचाना चाहता था। वो बच्चा उस जवान के पास आया। उसे तो शायद ये भी नहीं मालूम था कि दादा कभी नहीं उठेंगे। बच्चे को एक दूसरे जवान के हवाले कर इस गोलीबारी वाली जगह से दूर ले जाया गया। बुलेट प्रूफ पहने एक सैनिक ने बड़े दुलार से उसे गोद में उठा रखा था। मुट्ठियों में बिस्किट और चॉकलेट्स रखती, कुछ शायद पहले से उसकी मुट्ठियों में थी। बिस्किट टूट चुके थे तो कुछ दादा के खून से सने थे। गोलियों की आवाज़ से दूर वह एक बख्तर बंद में बैठकर अपने घर अपनी माँ के पास लौट आया। वो घर तो आ गया, परंतु आतंकवाद ने उसके जहन में क्या छाप छोड़ी होगी और ये याद कब तक उसका पीछा करेगी, ये कोई नहीं जानता। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।